दोस्तों, गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर है जिसे आज के समय में हर कोई अपने फोन में यूज करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम के अंदर में चार ऐसे हिडन फीचर हैं जिसका यूज करके आप अपने फोन की बैटरी को इनक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके फोन की बैटरी जल्द ही समाप्त हो जाती है तो आप गूगल क्रोम की चार ऐसे हिडन सेटिंग को अगर आज आप कर लेते हैं तो आपकी जो फोन की बैटरी है बहुत ही अच्छा चलेगी। अगर आपकी फोन की बैटरी 30% हो जाएगी फिर भी वह आपका पूरा दिन वह बैटरी निकाल देगी। लेकिन आपको गूगल क्रोम के अंदर में आपको यह चार हिडन सेटिंग करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे उन्हीं चार हिडन सेटिंग के बारे में, जिसे यदि आज तक आपने नहीं किया तो अभी जाकर इन सेटिंग को कर ले। इन सेटिंग को करने के बाद में आपकी फोन की बैटरी डबल चलने वाली है और आपको अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। तो कौन सी सेटिंग है, किस तरीके से करनी है, आज की इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वही दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को गूगल क्रोम की पहली सेटिंग बताते हैं। पहली सेटिंग ध्यान से समझिए और इसमें जो तीसरे नंबर की सेटिंग है वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे ही क्रोम को ओपन करेंगे क्रोम ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में आपको एक लोगो दिखेगा, इस लोगो पर आपको टैप करना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो पहली सेटिंग के लिए आपको ऊपर में ही यहाँ पर साइंस का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां पर साइंस के ऊपर में क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, यहां पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो आपका साइंस है ऊपर में ऑन यानी कि ऑन होगा। आप लोगों को यहां पर करना क्या है दोस्तों कि इसे कर देना है ऑफ। दोस्तों, अगर ये ऑन होता है तो इससे क्या होता है कि आपके फोन की बैटरी जो है बहुत ही तेजी से खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे फोन में यह सारी जो सेटिंग है वह टिक होती है और यह अंदर ही अंदर में बैकग्राउंड में यह सारी सेटिंग रन करती है, जिसके कारण भी हमारे फ़ोन की जो बैटरी है बहुत ही जल्दी कंज्यूम यानी कि समाप्त होती है। तो आपको यहाँ पे जो साइन वाला बटन है इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर जो सेटिंग ऑन रखना है उसी को रखिए, नहीं तो सारे सेटिंग को यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि इन सेटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा हिसाब है कि अगर अपनी फ़ोन की बैटरी को अच्छा चलाना है तो सारे सेटिंग को आपको यहाँ पर ऑफ करना है। उसके बाद में यह जो बटन है इसको ऑफ ही रखना है, ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि ऑन करने से सारे अंदर ही अंदर में बैकग्राउंड में सेटिंग ऑन होती है और आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्द समाप्त होने लगती है। तो पहली सेटिंग आप लोगों को यही करना है, ठीक है दोस्तों, पहली सेटिंग यही करना है, सारे सेटिंग ऑफ और इस बटन को भी ऑफ करना है। तो यह सेटिंग आपको कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी सेटिंग की। दूसरी सेटिंग के लिए आपको यहीं पर आना है और इस तरीके से जब स्क्रोल करते हैं तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसके ऊपर में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम है डू नॉट ट्रैक। पहले था डू नॉट ट्रैक, अब हो गया है सेंड ए डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। अब आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों, जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो क्या देखोगे कि यह सेटिंग जो है पहले से ऑफ होगा। दोस्तों, इस सेटिंग को ऑफ होने से क्या होता है कि जैसे कि आप अपने फोन के गूगल पर क्या क्या चीजें सर्च करते हैं यह गूगल को सब पता हो जाता है, और उसी द्वारा जैसा आप जो जो चीज़ें सर्च करते हैं उसी टाइप की ऐड गूगल आपको दिखाता है, और जिससे आपके फ़ोन की बैटरी है अंदर ही अंदर कंज्यूम होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड अगर गूगल आपको दिखाने लगेगा ट्रैक कर कर तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ़ोन की बैटरी समाप्त होगी और आप क्या सर्च करते हैं गूगल को पता हो जाता है। वैसे में आपको ये जो डू नॉट ट्रैक है ना, इस बटन को आपको ऑन कर देना है। इस बटन को अगर आप ऑन कर देते हैं ना तो गूगल पर आप कोई भी चीज़ों को सर्च करेंगे ना, गूगल को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चीजें को सर्च कर रहे हैं, और आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड देखने को नहीं मिलेगा गूगल के अंदर, और आपके जो फोन की बैटरी है बहुत ही अच्छा चलेगी। तो इस सेटिंग को आप लोगों को ऑन कर लेना है। तो यह हो गई दूसरी सेटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सेटिंग की। तो तीसरी सेटिंग के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको इसी सेटिंग पर आना है। आने के बाद में आप लोगों को यहां पर एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम होता है नोटिफिकेशन।
आपको इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके फोन में सारे नोटिफिकेशन यहाँ ऑन रहेंगे। देखिए दोस्तों ये जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन है ना, इस नोटिफिकेशन ऑन से भी आपके फोन की बैटरी समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलाउ नोटिफिकेशन, यहाँ भी नोटिफिकेशन, यहाँ भी स्क्रीन का नोटिफिकेशन, प्लेइंग साउंड का नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन का नोटिफिकेशन, शो नोटिफिकेशन, यानी कि सारा नोटिफिकेशन तो आपने ऑन कर रखा है। कोई भी नोटिफिकेशन आए, फालतू के भी नोटिफिकेशन आए ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपके फोन की बैटरी अंदर ही अंदर समाप्त होती रहेगी। तो आप लोगों के यहाँ पे जो जो नोटिफिकेशन है ना, इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं है। ये गूगल क्रोम की नोटिफिकेशन है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप गूगल क्रोम में उतना ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन के बंद कर दो, क्योंकि अगर बंद कर दोगे ना, ये फालतू की नोटिफिकेशन आपके गूगल क्रोम में आएंगे लेकिन आपके फोन में नहीं आएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी जो फोन की बैटरी है अंदर ही अंदर समाप्त नहीं होगी। तो यह आप जरूर कीजिएगा, फालतू के नोटिफिकेशनों को बंद कर दीजिएगा तीसरी सेटिंग से। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी सेटिंग से पहले एक सेटिंग और बता देता हूं कि यहां पर आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलती है थीम्स। इस थीम्स पर क्लिक कर आप यहां से पहले से लाइट सेट होगा ना, तो इसको डार्क कर लेना, क्योंकि सब कोई जानता है कि जब हमारा डिस्प्ले लाइट होता है ना तो हमारी फोन की बैटरी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होती है। तो आपको इस डार्क मोड में कर लेना है। तो यह सेटिंग नहीं थी, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। तो डार्क मोड में अगर चलाएंगे ना तो भी फोन की बैटरी आपकी अच्छा चलेगी। अब बात करते हैं चौथी सेटिंग की। चौथी सेटिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर फिर से प्राइवेसी में जाना है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगा सेफ ब्राउजिंग, इसके ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे ना तो पहले से यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पर सेट होगा, तो आपको यहाँ पर इनहैस्ड प्रोटेक्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। दोस्तों इसको करने से क्या होगा कि आपकी ब्राउजिंग भी सेफ हो जाएगी। आप क्या क्या वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, कोई गलत वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपका फ़ोन इंडिकेट करने लगेगा और आपकी जो फ़ोन की बैटरी अंदर ही अंदर समाप्त होती थी, गलत वेबसाइट पर आपको लेकर चला जाता था और फालतू में आपके फोन की बैटरी को भी कंज्यूम करता रहता था। क्योंकि आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हैं कि स्टिक पर से हटा के आपको स्टिक पर करेंगे तो आपकी ब्राउजिंग भी सेफ रहेगी और आपकी फ़ोन की बैटरी भी समाप्त नहीं होगी। तो यह चार सेटिंग आज आप अपने फ़ोन में अगर कर लेते हैं ना तो आपके फ़ोन की बैटरी दोस्तों 20% 30% पूरे दिन निकल जाएगी। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को यही क्रोम की सेटिंग बता रहे थे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।